अच्छा वकास भाई, इसको देखने के लिए इसकी डिमांड को पहले देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जब बना ना 4 करोड़ आबादी थी, ठीक अब है, 25 करोड़ है। सही है, पाकिस्तान में मोर देन 20 लाख घरों की शॉर्टेज है, 20 लाख से ज़्यादा घर की ज़रूरत है। अब उसके लिए सबसे अच्छी और अफोर्डेबल अकोमोडेशन, बना हुआ घर आपको मिल जाए, इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाए, वो है अपार्टमेंट। सही, रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया 2 मिलियन घरों की है, जी इसको पूरा ही अपार्टमेंट कर सकेंगे। और हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि अपार्टमेंट नहीं यार, घर होना ठीक चाहिए। है, तो हमने ये रेट इस टाइम रखा है 14,000, जो कि 16 साढ़े 16 हो जाएगा बहुत जल्द। ये हमारा एक्चुअली जम करके इसने 20 पे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वकास नसीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। राइट नाउ मैं मौजूद हूँ DHA ऑफिस में, OG डेवलपर्स का जो हेड ऑफिस है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है अपार्टमेंट्स के हवाले से, हम अरुण भाई से बात करेंगे, जो कि लाहौर स्काई मॉल एक शानदार प्रोजेक्ट, एक ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर, जिसकी सेल फास्ट ट्रैक के ऊपर जारी है। अस्सलाम वालेकुम अरुण भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप? बेहतरीन अरुण भाई, लाहौर स्काई मॉल के जैसे आपका फ्लोर डिज़ाइन किया गया, माशाल्लाह हर एक ब्लॉक ही उसका शाहकार, उसकी एलिवेशन ज़बरदस्त शाहकार है। अपार्टमेंट्स के हवाले से थोड़ा सा आज का हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर स्टूडियो और वन बेड अपार्टमेंट के 14,500 पर स्क्वायर फिट पर अभी जो है बुकिंग जारी है, जबकि 2 बेड और 3 बेड की 14,000 रुपये पर स्क्वायर फिट। ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। बहुत से कस्टमर्स इसको बींग ए इन्वेस्टर और बींग ए एंड यूज़र के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि अपार्टमेंट्स का आप आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? लाहौर में पिछले 3-4 साल से जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है अपार्टमेंट्स का। गुलबर्ग साइड पे अस्क्री 9, 10, 11 अगर आप देखें तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स के बहुत ज़्यादा रेट्स चले गए हैं। तो ये 14,000-14,500 के पर स्क्वायर फिट अपार्टमेंट्स के जो रेट हैं, आने वाले टाइम में आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा वकास भाई, इसको देखने के लिए इसकी डिमांड को पहले देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जब बना ना 4 करोड़ आबादी थी, अब 25 करोड़ है। सही। पाकिस्तान में मोर देन 20 लाख घरों की शॉर्टेज है, 20 लाख से ज़्यादा घर की ज़रूरत है। सिर्फ लाहौर लाहौर को 4 लाख चाहिए, लाहौर को 4 लाख चाहिए, हो सकता है कराची को शायद 6 लाख चाहिए होंगे, बाकी जो है वो पूरे पाकिस्तान को चाहिए। तो 4 लाख घरों की शॉर्टेज है सिर्फ लाहौर में। अच्छा अभी जैसे मिसाल, एक घर के अंदर 2-2, 3-3 फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए सबसे अच्छी और अफोर्डेबल अकोमोडेशन, बना हुआ घर आपको मिल जाए, इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाए, वो है अपार्टमेंट। सही। अच्छा अब हमारी जो हम ये बनाया है, जो हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पे जो अपार्टमेंट है, जैसे आपने बताया 14,000-14,500 रुपये रेट है, ये रेट कुछ भी नहीं है। मसलन अगर हम गुलबर्ग से, जैसे आपने नाम लिया, अगर हम गुलबर्ग से कंपेयर करें, क्योंकि हमारे करीब वही है कोई 20-25 मिनट पे, तो गुलबर्ग के अंदर इस टाइम रेट है कोई 35,000 मिनिमम से लेकर 45,000 रुपया पर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप बिल्डिंग गुलबर्ग में बनाएं, आप बिल्डिंग कहीं और जगह बनाएं, आप जाके बिल्डिंग कहीं लाला मूसा में बनाएं, 19-20 का फ़र्क आएगा। सेम स्ट्रक्चर है बिल्डिंग बनाने का, फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क है आपकी लैंड कॉस्ट का। हो सकता है वहाँ पे मैं, लेकिन लैंड कॉस्ट इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, वो तो डिवाइड होनी है पूरी बिल्डिंग पे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गुलबर्ग और इस तरह की साइड्स हैं, ये काफ़ी मिच्योर हो चुकी हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। 35,000 रुपये बहुत ज़्यादा रेट है, 35,000 यानी मिनिमम है। तो हमने ये रेट इस टाइम रखा है 14,000, जो कि 16 साढ़े 16 हो जाएगा बहुत जल्द। ये हमारा एक्चुअली जम करके इसने 20 पे जाना है, 35 पे तब भी नहीं हमने जाना, हमारा 20 पे ये जाना है, लेकिन डेफिनेटली इसको हमने इसमें रखा है। तो अब देखें, अगर आपको 60-70 लाख रुपए में स्टूडियो मिल जाए, 55-60 लाख में, और अगर आपको 1 बेड 85-90 में मिल जाए, एक छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन। और फिर 4 साल का प्लान है, 4 साल में आप जॉब कर रहे हैं, आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहे, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होंगे आपका अपना घर हो जाएगा। फिर इसमें लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये पूरी कम्युनिटी है, बिल्डिंग के अंदर आपको जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस नील के बराबर होती है। आपकी मेंटेनेंस सारी बिल्डिंग खुद कर रही होती है। फिर उसके अंदर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, जिम मिल रहा है, सोना स्पा, पार्क्स हैं, और रूफ टॉप टेरेसिस हैं, आपको हर चीज़ उस बिल्डिंग के अंदर मिल रही है, आपकी फैमिली रह रही है, आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं। और आगे आने वाले वक्त में हमारी ये जो रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया 2 मिलियन घरों की है, इसको पूरा ही अपार्टमेंट कर सकेंगे। और हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा
कि अपार्टमेंट नहीं यार, घर होना चाहिए, लैंड अपनी हो, बिल्कुल अगर किसी का बजट इजाज़त देता है या किसी की रिक्वायरमेंट है ज़रूर लें, लेकिन जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसके लिए हमें वर्टिकल में जाना पड़ेगा और अपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, और ये बेस्ट ऑप्शन है, इजी इंस्टॉलमेंट है, अच्छी प्राइस है, रेडी घर है, आपने सिर्फ फर्नीचर लाना है, अपने कपड़े लाने हैं और आप रहना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। बीइंग ए इन्वेस्टर और बीइंग ए एंड यूज़र, अपार्टमेंट्स की क्या वैल्यू है, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा प्लीज़। देखें एंड यूज़र अब दो तरह से दो लोग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं जो लेते हैं अपने लिए, जिन्होंने खुद आके रहना होता है, जिन्होंने खुद रहना, उनके लिए तो है ही बेस्ट कि उनको पूरी कम्युनिटी या हर चीज़ मिल रही होगी। फिर दूसरे वो होते हैं कि जो देख रहे होते हैं कि अच्छा यार हम अपने पैसों को कहाँ पार करें, तो वो भी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, मेन रेगुलर अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको वो रेंट आउट कर सकते हैं, सर्विस अपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक अच्छा 10% तक सालाना जो है रिटर्न रेंटल इनकम के तौर पर आ जाएगा। अपार्टमेंट के वाले थोड़ा सा ये बताइएगा कि 14,000-14,500 पर स्क्वायर फीट में जो परचेजिंग करते हैं, 4 साल में माशाल्लाह ये आपकी पहली बिल्डिंग का इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो उस टाइम पर एप्रिसिएशन के तौर पर थोड़ा सा आप बताइएगा कि उस टाइम पर क्या आपको लगता है, एक क्या माशाल्लाह बड़ा होमवर्क होता है आपका किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, पेपर्स के फिर जो रेट डिज़ाइन किए गए हैं बिल्डिंग की, माशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो क्या चंक आप देखते हैं, कितने परसेंट एप्रिसिएशन आप देखते हैं अपार्टमेंट्स की? क्योंकि इसमें मैं मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूँ कि सबको पता है इसके सराउंडिंग्स में लेक सिटी की भी लैंड जो एक्वायर हो चुकी है, DHA की लैंड एक्वायर हो चुकी है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम पर इस लाहौर स्काई मॉल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर? ये आपने बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारी जो लैंड है वो DHA फेस 10 के सामने है, बिल्कुल ठीक है, लेक सिटी हमारे पीछे है, सेंट्रल पार्क हमारे एक साइड पे है, लोकेशन के अतबार से तो इसने बड़ा मतलब टॉप क्लास लोकेशन है, मेन के ऊपर है, हमें 2 साइड लगती है, इस तरफ से हमें फिरोजपुर रोड 150 फीट लगती है, इधर से हमारी स्ट्रक्चरल रोड 150 फीट जो कि फेस 10 से आ रही है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ दूसरा, मिनिमम एक जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी 4 साल के बाद 100% इसके अंदर ग्रोथ है, यानी आपकी 100 रुपये की चीज़ 200 की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कि इसकी एग्जांपल्स नहीं है, अगर आप देखें आप और बेतहाशा पर, इवन आप हमारे बैरियर स्काई पे ही देख लें, बैरियर स्काई के ऊपर अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर तकरीबन 40% ग्रोथ आ चुकी हुई है जनवरी से 1 साल के अंदर, तो अभी तो इसके 3 साल अभी मजीद बाकी हैं, तो मैं सेफ साइड पे रहते हुए आपको बता रहा हूँ कि 100% इसका कर जाता है। देखें इसकी बड़ी रीजनस हैं, अच्छा ये करता क्यों है, इसकी 3-4 रीजनस हैं। एक, आज जो आपकी लैंड वैल्यू है 4 साल बाद वो नहीं रहेगी, ठीक है। आज जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो नहीं रहेगी, एग्रीड। आज एक चीज़ ज़मीन पे है, 4 साल बाद वो बन चुकी होगी, ऑपरेशनल होगी, उसकी एक अलग वैल्यू। जब ये तीन, अच्छा 4 साल बाद आप देखिए, अब 4 साल बाद हम ही अगर वहाँ लैंड लेना चाहेंगे हमें इस प्राइस पे नहीं मिलेगी, हम उस साथ वाली लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो इस प्राइस पे नहीं होगी। तीसरा, वो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुई तो उस टाइम पर वो दोनों की उससे मैच तो नहीं कर सकती, तो कॉस्ट जो चीज़ बन जाती है और कंस्ट्रक्ट हो जाती है उसको मिनिमम 100% तो 3-4 साल में, तो ये जी परफेक्टली ऑलराइट है। अरुण भाई, इसमें मेरा आखिरी जो सवाल है वो ये बताइए कि भी लाहौर में ऑलरेडी 2 बड़े मॉल्स का जो है नाम शोर उसका मचता है, एक एम्पोरियम मॉल और एक पैकेजेस मॉल, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर इतना बड़ा माशाल्लाह प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं आप, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सराउंडिंग्स में? पाम सिटी आ जाता है, सामने ग्रैंड एवेन्यू है, सेंट्रल पार्क है, बढ़िया नशेमन है, और फिर फिरोजपुर रोड का अपना कस्टमर फुटफॉल है, आने वाले टाइम में आप इसको किस तरह से वो देखते हैं लाहौर स्काई मॉल की जो एम्बियांस है उसमें जो चीज़ें होंगी, तो कैसे आप देखते हैं कि तीसरा बड़ा मॉल लाहौर में बनने जा रहा है, तो इसकी काइंडली थोड़ी सी वैल्यू को बताइएगा? 2 चीज़ें जी, वो जो मॉल्स है ना उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो रिटेल मॉल्स हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो मॉल्स कंपनी ऑपरेटेड मॉल्स हैं, यानी ओन्ड मॉल्स हैं, वो रेंट पे मिलते हैं। हमारे मॉल में आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट, दोनों में फ़र्क, हाँ खुद से अपना कुछ भी आप, ये 2 फ़र्क हैं। हम आप हमारे इसमें आप मालिक बन सकते हैं, उसमें आप सिर्फ टेनेंट बन सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं। और दूसरा, ये तो एक बात होगी बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी की, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो रिटेल मॉल है हमारे पास, यानी जो शॉप एम्पोरियम में या पैकेजेस मॉल में एज रिटेल शॉप होगी, जहाँ पे 100% प्राइस पे आपको चीज़ मिलेगी, उसी कंपनी के उसी ब्रांड का जो फैक्ट्री आउटलेट शॉप है वो हमारे मॉल में होगी, क्योंकि ये DFO है, तो यहाँ पे 50% ऑफ होगा। तो इसलिए ये मॉल जो है ये लाहौरियों के लिए तो है ही तोहफा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पहला DFO मॉल है, यहाँ पे हर वो ब्रांड जो दूसरी जगह पे फुल प्राइस के साथ चल रहा होगा उनकी जो फैक्ट्री आउटलेट शॉप होगी वो इस मॉल में होगी लाहौर स्काई में, और यहाँ पे
वो ऑफ चल रहा होगा। बिल्कुल, तो ये फर्क है जी। ठीक है अरुण भाई, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, सेम टाइम पे CDB प्रॉपर्टीज डिफरेंट 7-8 डेवलपर्स के साथ काम कर रहा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ कस्टमर्स कहते हैं कि हम तो बाहर बैठे हैं वकास साहब, हमारी आंखें आप हो। तो हर तरह की मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि बींग ए इन्वेस्टर या फिर बींग ए एंड यूज़र, लाहौर स्काई मॉल इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, जहाँ आपके फंड्स हर तरह से सेफ हैं, जहाँ आपके साथ डिवेल्पर की हर कमिटमेंट पूरी होगी, जहाँ LDA अप्रूव प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ साइट पर कैमरा इंस्टॉल होने के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमें डेवलपर को इंस्टॉलमेंट पे करनी चाहिए या नहीं। तो ये वो तमाम तरह सर्कमस्टांसिस हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को इवेल्यूएट करते हैं। CDB प्रॉपर्टीज आपको हाईली रिकमेंड करता है। लाहौर स्काई नंबर वन इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप कमर्शियल या फिर अपार्टमेंट्स या पेंट हाउसेज को कंसिडर करते हैं। तो इसी वाले से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर आप मिनिमम पर स्क्वायर फिट रेट जो अभी इनका चल रहा है उस पर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, जस्ट 20% की डाउन पेमेंट के साथ अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर हियर। बुकिंग के लिए आप CDB प्रॉपर्टी से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास टॉप क्लास लोकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, कमर्शियल की भी, IT पार्क ऑफिस की भी, अपार्टमेंट्स की भी, और पेंट हाउसेज की भी। बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +9233111500। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में भी लाहौर स्काई मॉल जैसे प्रोजेक्ट की आपको हम अपडेट्स भी देते रहें। और इसी हवाले से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।